देश के कई राज्यों में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है और पारा रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गर्मी का किस तरीके से हमारे शरीर पर असर पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आरएम छावड़ा जी को, जो कि फिजिशियन है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। थैंक यू तरुण जी आमंत्रित करने के लिए। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मी लगातार बढ़ रही है, किस तरीके का असर होता है गर्मी का हमारे शरीर पर? तरुण जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। गर्मी का असर हमारे शरीर पे कई तरीकों से पड़ता है। अगर हम डायरेक्ट धूप में चले जाएंगे, हमारी स्किन खराब हो जाती है। अगर पसीना आता है, लू में गर्म हवा में चलते हैं, तो इस कारण हमारे शरीर में दिक्कतें आने लग जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा पसीना आएगा तो क्या होगा, हमारे जितना पानी का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन में चले जाएंगे, मुंह सूखने लग जाएगा, हमारा पेशाब बंद हो जाएगा। जब आपका पेशाब बंद हो जाएगा तो आपकी किडनी भी खराब होने के चांस रहती हैं। तो हमें इसलिए गर्मी से बचना चाहिए। गर्मी से कैसे बचा जाए वो हम आपको आगे बताएंगे क्या क्या होता है। पहले हम एक एक करके इसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। सर, गर्मी में अक्सर देखा गया है, सुना भी जाता है कि लू लग गई। लू लगना क्या होता है? लू लगना, हम एकदम जैसे अंदर कमरे में बैठे हैं, एकदम गर्म एनवायरनमेंट में चले जाएंगे, बहुत ज्यादा तेज धूप है, उसमें एकदम आपके शरीर को जितना बाहर का टेम्परेचर है और आपके बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है, दोनों मैच नहीं करते, तो उसमें हमारे को लू लग जाती है। लू लगने में क्या होता है, पानी की कमी आ जाएगी और कई बार आपको दस्त भी लग जाएंगे या कुछ, यानी कि ऐसे आपको आंखों आगे अंधेरा आने लग जाएगा और आपको दिखने में कुछ कठिनाई आने लग जाएगी। तो हमें इससे बचना, कैसे कैसे बचना है उसमें सब, जैसे भी आप, जैसे आप एसी में बैठे हैं, एसी से एकदम से बाहर नहीं जाएंगे आप। एसी से पहले आप दूसरे कमरे में जाएंगे जहाँ पंखा चल रहा है, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। जब धूप में निकलेंगे तो हम छाते का प्रयोग करेंगे और स्किन को बचाने के लिए हम अपने ट्यूबर आती है, सनस्क्रीन वगैरह आते हैं, लोशन, वो लगाएंगे जिससे हम अपने को बचा सकते हैं। तो लू लगना एक भयंकर बीमारी है, तो लू से बचना चाहिए। सर, आपने स्किन की बात करी, गर्मी में अक्सर देखा गया है स्किन की समस्या भी लोगों को होने लगती है, धूप में चलते हुए कई बार स्किन जलने जैसी भी नौबत आ जाती है, ये क्या है और कैसे बचा जाए इससे? स्किन में क्या होता है कि डायरेक्ट अगर आपके ऊपर जैसे सन लाइट पड़ने लगी तो आपके स्किन में लाल लाल हो जाएगा, आपकी स्किन जलने लग जाएगी। पहले धीरे धीरे कर कुछ लाल होगा, उसके बाद बहुत ज्यादा लाल हो जाएगी, और कई बार तो ऐसा होता है एकदम से डायरेक्ट स्किन पे आपने आपको बचाएंगे नहीं तो जलने भी लग जाएगी, तो उसको रैशेज आ जाएंगे, आपको छोटे छोटे पॉपुलर बनते हैं ना, जैसे फुंसियाँ हो जाती है वैसे हो जाएगी। तो पसीना आएगा ना, तो पसीना वहाँ जमा हो जाएगा, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे, पसीना अंदर बंद हो जाएगा, लेटर उन क्या होगा, आपके जैसे बॉयल्स वगैरह होते हैं, कहते हैं ना फोड़े फुंसी हो जाना, वो होने लग जाएंगे, इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ ज्यादा हो जाते हैं। सर, गर्मी में आमतौर पर अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि वो चल रहे हैं, चक्कर उन्हें आने लगता है, गला सूखने लगता है, कमजोरी आना, तमाम तरह की इस तरह की शिकायतें होती हैं। क्या ये गर्मी का ही असर है या कुछ और बीमारी की और संकेत है? ये गर्मी का ही असर होता है, उसमें आपकी एक तो क्या होता है, जब पसीना जब आता है उसमें एक तो पानी का लॉस होता है और दूसरा हमारे सोडियम, नमक जिसको कहते हैं, उसकी भी कमी हो जाएगी। आपने कभी देखा होगा जब पसीना आता है तो पसीना जब सूख जाता है तो वहाँ व्हाइट व्हाइट जमा हो जाता है, वो हमारा नमक होता है। जब शरीर में नमक की कमी आ जाएगी तो आपके बाइंटे, जैसे कहते हैं ना बाइंटे आना, बाइंटे आने लग जाएंगे, कमजोरी आ जाएगी, आपको नींद सी आने लग जाएगी और उसके अल्टीमेटली के चक्कर आने लग जाएंगे, और एक ऐसा समय आ जाएगा जब पानी की कमी हो गई है, नमक की कमी भी हो गई है, तो क्या होगा, आपको बेहोशी भी आ सकती है। जब बेहोशी आती है तो कई बार दौरे भी आने लग जाते हैं, तो वो अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कहते हैं हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो आपका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, 105-6 डिग्री बढ़ जाएगा, तो उसको कहते हैं स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक होने के बाद तो बड़ी इमरजेंसी हो जाएगी, तो आपको इमीडिएटली अस्पताल जाना पड़ेगा। तो इसका बचाव बहुत जरूरी है, और जब आप घर से निकलेंगे तो घर से आप एक तो छाता लेके निकलिए, दूसरा अपने पानी की बोतल साथ रखिए, और प्रेफरली मैं कहूँगा नमक और चीनी डाल के, शिकंजवी जिसको कहते हैं, शिकंजवी अपने साथ लेके जाइए,
उसको धीरे धीरे शिफ्ट करके पीजिए। जितना पेशाब आपको आए ना उसके उतनी ही मात्रा में आपको उसको रिप्लेस कर लीजिए। आपको पानी की कमी नहीं आनी चाहिए। अगर पानी की कमी आ गई सबसे पहले आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके पानी, कोई तरल पदार्थ, पानी है, शिकंजवी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये जितने भी ये एरिएटेड आते हैं उनको अवॉइड करो। बहुत से गैस बनती है, पानी की आगे कमी हो जाएगी तो गैस मत बनने दो। तो नींबू का पानी सबसे बेस्ट होता है कि आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, और शुगर डाल देंगे तो उसकी ऑसमोलिटी बढ़िया हो जाएगी, तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। लिमका सर, बीते कुछ दिनों से देखा गया है और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया कि आगे पारा और बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, गर्मी के विषय पर हम आपका बातचीत कर रहे हैं आपसे, लोग भी देखेंगे जब इसे, तो क्योंकि अब गर्मी बढ़ेगी या गर्मी का सीजन अब शुरू हो गया है पूरी तरीके से कि गर्मी तापमान बढ़ेगा, तो लोग कैसे अपना ध्यान रखें, क्या कुछ जब वो घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे बड़े या बूढ़े तमाम लोग, तो किस तरह ध्यान रखें, कैसे कब घर से बाहर निकलें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जब बच्चे और बूढ़े को ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है, और प्रेग्नेंट वुमेन उसको भी ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन को दो बंदों का ध्यान रखना पड़ता है, एक जो उसके पेट में बच्चा है और अपना, दोनों का ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बताया बाहर जाते हो तो लेके जाइए, और दूसरा जब बाहर से आप आते हैं, गर्मी से आते हैं, आपने छाता उतार दिया, हमारी क्या आदत होती है, घर में आते ही फ्रिज खोला और ठंडा पानी पी लेते हैं। ऐसा नहीं करना, पहले अपने आप को स्टेबल करना है, पंखे नीचे बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, फिर धीरे धीरे करके पानी पीजिए। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इमीडिएटली बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिए। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पिएंगे तो आपको निमोनिया होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपका पहले बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एकदम से आपने पानी पी लिया ठंडा, तो दोनों का टेम्परेचर बड़ा इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने से ज्यादा दिक्कत आती है, तो आप धीरे धीरे करके पानी पीजिए, और प्रेफरली जैसे मैंने पहले बताया है नमक डाल के पानी पिएंगे तो आपको ज्यादा बचाएगा रादर देन की प्लेन वाटर से, और हल्की सी चीनी डाल दीजिए। सर जिस तरीके से गर्मी के जिक्र आपने करा कि तमाम इन चीजों को ध्यान रखिए, गर्मी का जो गर्मियों में बीमारियां आती हैं, खान पान से उनका कोई सीधे तौर पर लेना देना है? खान पान बिल्कुल है, गर्मियों में आपने ध्यान रखना है, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि सबके पसीने हाथ में लगे होते हैं, बाहर जितना भी होता है दलदल पड़ होता है, उससे मच्छर भी ज्यादा आएंगे सबको। गर्मियों में क्या होता है कि एक जगह गर्म है और दूसरी जगह मच्छर उठ के क्या आएंगे, दूसरी जगह चल जाएंगे। हर व्यक्ति वहां क्या है, अगर कूड़ा करेगा तो वहीं कर देगा, वहां गंदगी ठंडा, इतना नम जगह होती है, वहां मच्छर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मक्खियां भी ज्यादा भिनभिनाती हैं। जितने भी आपके ढके जो होते हैं खाना, जितना भी वो खाने चाहिए, जो भी अनकवर्ड खाना हो उसको कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो आपको हैजा भी हो जाएगा। तो गर्मियों में ये बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। सर गर्मी में बताया जाता है कि खान पान, आपने भी जिक्र करा कि खान पान का काफी लेना देना है बीमारियों से बढ़ावा देने के लिए या बचने के लिए। आप जिस तरीके का खान पान खाएंगे वैसे बचे रहेंगे, और अगर गलत खान पान खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। तो किस तरह का खान पान खाएं, क्या पिए, कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए आपने, हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये पूड़ियां वूड़ियां जितने भी पके खाने उसको नहीं खाएंगे। और दूसरा जितना भी है उसमें तरल पदार्थ ज्यादा लेंगे, पानी की मात्रा ज्यादा हो, जितने भी पानी लिक्विड है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो ज्यादा लेंगे, क्योंकि गर्मियों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, और उस पर थोड़ा नमक डालते रहेंगे। नमक बहुत जरूरी डालना है, अदरवाइज आपको कमजोरी आ जाएगी, आपके हाथ पैर टूटते रहेंगे, और आपको ऐसे लगेगा जिसने आपको निचोड़ के फेंक दिया हो, जैसे कपड़े की तरह। और एक मैं बताना भूल जाऊंगा आपको, आप जब बाहर जाते हैं तो उसमें डार्क कलर कपड़े के नहीं पहनेंगे, स्पेशली ब्लैक। अगर ब्लैक कलर पहनेंगे उसमें गर्मी ज्यादा लगती है, तो जितने भी डार्क कलर के कपड़े हैं वो गर्मियों में नहीं पहनने चाहिए, लाइट कलर के पहनने चाहिए, प्रेफरली व्हाइट जैसे है। जितने लाइट कलर पहनेंगे तो उसमें आपको गर्मी कम लगेगी। सर एक अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि अब आपसे जिक्र हो रहा है, आपने तरल पदार्थ का कहा, तो तमाम विज्ञापन आते हैं, चाहे वो तमाम तरह की ड्रिंक्स वगैरह उनको लेकर विज्ञापन आते हैं कि ये ड्रिंक्स पीजिए गर्मी एनर्जी आएगी, तो
इस तरह की ड्रिंक्स कितनी सही है, क्या वाकई में इस तरह की ड्रिंक पीनी चाहिए या नॉर्मल जिसे देसी हम कहते हैं कि छाछ नींबू पानी, आपने भी जिक्र किया नींबू पानी का खासकर, तो ये पिए? देखो, अवेलेबल में तो मैं यही कहूंगा जितना भी आप नेचुरल पियेंगे ज्यादा बेहतर है। जो एरिएटेड होते हैं, जो स्टोर्ड होते हैं, जिसे फ्लेवर डाला होता है, वो हानिकारक होते हैं। वो आपने डिसाइड करना क्या, इरिगेटेड मैं अवॉइड करूंगा। इरिगेटेड जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, थोड़ा कुछ को अवॉइड कीजिए। वो उनकी इच्छा है, करेंगे तो करेंगे, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि नमक और चीनी हल्की डाल के, जिसको ORS कहते हैं, ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन जिसको कहते हैं ORS, वो पीना चाहिए। ये गवर्नमेंट में फ्री मिलता है, हर जगह आपको मिल जाएगा ORS ही। उसके बाद इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह है, या आप अपने घर से बना के ले जाए तो बेटर रहेगा, या बजाज लिमका वगैरह है वो भी पी सकते हैं। लेकिन इरिगेटेड जो जितने भी होते हैं, वो आपको ज्यादा गैस बनाएंगे, वो ज्यादा दिक्कत करेंगे। बाकी लोग पीते हैं, नहीं पियेंगे तो क्या कर लेंगे, वी कैन नॉट स्टॉप देम। लेकिन प्रेफरली आप ऑर्गेनिक और द नेचुरल जितने लेकिन हम भी, अगर ये चीजें हानिकारक हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है लोगों को जागरूक करने का। यस, वही तो बता रहा हूँ आपको मैं। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं, सजेशन कर सकते हैं, ऑर्डर पास नहीं कर सकते। इट इज नॉट गाइडलाइंस। हम कोई उनकी से थाने इल्जाम नहीं लगना चाहते। हम आपको उसके प्रोस एंड कॉन बता दिए हैं, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है। अब आपने डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।